डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर। हाँ तो बच्चों, लास्ट हमने चैप्टर नंबर 2 की पूरी थियरी कंप्लीट कर दी थी। अब हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज देखेंगे। पेज नंबर 30 एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट ब्लैंक क्या दी गई है? यू कैन क्लिक ऑन द ब्लैंक बटन टू कम आउट ऑफ हेडर फुटर इंसर्शन मोड। हेडर फुटर इंसर्शन मोड यानी कि हेडर फुटर को क्लोज कर देना है, निकाल देना है। तो हम कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे, कौन सा बटन क्लिक करेंगे? तो आंसर में क्या आएगा बच्चों? आंसर इज क्लोज हेडर एंड फुटर। तो आंसर में क्या आएगा बच्चों? क्लोज हेडर एंड फुटर। राइट डाउन किया आप सब लोगों ने? आप सब लोगों को मेरे साथ लिखते जाना है को क्लोज हेडर एंड फुटर। इन क्वेश्चन नंबर 2, टेबल्स ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द ब्लैंक टैब यानी कि विच टैब। टेबल्स ग्रुप कौन से टैब में दिखता है, कौन से टैब में आता है टेबल ग्रुप्स? तो टेबल बनाने के लिए हम कौन सा टैब ओपन करते हैं? तो आंसर में क्या आएगा बच्चों? आंसर इज इंसर्ट। टेबल बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कहाँ पे जाना पड़ता है? इंसर्ट टैब ओपन करना पड़ता है। आंसर में क्या आएगा बच्चों? इंसर्ट। देन क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन ऐड ब्लैंक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू डिफरेंट बिटवीन द डिफरेंट पॉइंट्स यू वांट टू मेक। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलग अलग पॉइंट के आगे आपको अलग अलग पॉइंट्स यानी अलग अलग सिम्बॉल एड करने के लिए क्या एड करना होगा? अलग सिंबल ऐड करने के लिए आपको क्या ओपन करना होगा, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो आंसर में क्या आएगा? आंसर इज बुलेट। अलग अलग पॉइंट यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के आगे आपको सिंबल ऐड करना है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर में आएगा बच्चों बुलेट्स। यू कैन ऐड द बुलेट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट पॉइंट्स यू वॉन्ट टू मैन। मतलब अलग अलग पॉइंट्स बनाने के लिए आपको पॉइंट्स के आगे क्या रखना होगा? बुलेट्स। देन क्वेश्चन नंबर 4, बुलेट्स ऑप्शन इज प्रेजेंट अंडर द होम होम टैब इन द ब्लैंक ग्रुप यानी कि विच ग्रुप। बुलेट ऑप्शन इज प्रेजेंट अंडर द होम टैब इन द विच ग्रुप। तो होम टैब ओपन करके अगर हमें बुलेट वाला ऑप्शन ओपन करना है तो कौन से ग्रुप में जाना होगा बच्चों? कौन से ग्रुप में बुलेटेड लिस्ट आती है? तो आंसर में क्या आएगा? आंसर इज पैराग्राफ ग्रुप। तो आंसर में क्या आएगा? पैराग्राफ। राइट डाउन द आंसर। तो आंसर लिखा आप सब लोगों ने, बुलेटेड लिस्ट कौन से पैराग्राफ मतलब कौन से ग्रुप में आती है? आंसर में आएगा पैराग्राफ ग्रुप। देन क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक लिस्ट इज यूज टू एड द मल्टीपल लेवल टू लिस्ट ऑफ द डेटा। तो मल्टीपल लेवल यानी कि मल्टीपल सिंबल ऐड करने के लिए कौन सा लिस्ट आपको ओपन करना होगा? मल्टीपल लेवल्स यानी कि मल्टीपल पॉइंट्स के आगे आपको सिंबल ऐड करने के लिए कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा? तो आंसर में क्या आएगा बच्चों? कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा? मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर मल्टी लेवल पॉइंट्स आते हैं तो हमें कौन सा ऑप्शन ओपन करना होगा? मल्टी लेवल लिस्ट। तो राइट डाउन द आंसर इज मल्टी लेवल लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ विच यानी कि ब्लैंक। तो रो और कॉल जहां पे मिक्सअप होते हैं, रो एंड कॉलम मिक्स होके जो रेक्टेंगल बॉक्स बनता है उसे क्या कहा जाता है? द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ, आंसर में क्या आएगा बच्चों? आंसर इज सेल। रो एंड कॉलम जहां पे मिक्सअप होती है उसे कहा जाता है सेल। तो राइट डाउन द आंसर इज सेल। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेसिंग द ब्लैंक की इंटेंस द लेवल इन द लिस्ट। तो क्या लिखा है बच्चों? प्रेसिंग द विच की मतलब कौन सी की प्रेस करोगे तो लेवल लिस्ट इन द इंटेंस। मतलब लिस्ट का लेवल चेक करने के लिए हमें कौन सी टैब क्लिक करनी होगी यानी कि सॉरी कौन सी की
क्लिक करनी होगी तो आंसर में क्या आएगा बच्चों, आंसर इज टैब की। तो राइट डाउन द आंसर इज टैब। उसके आगे का क्वेश्चन क्या है बच्चों, उसके आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, टू डिवाइड अ सेल इनटू मेनी सेल्स यूज द ब्लैंक ऑप्शन। डिवाइड अ सेल इनटू मेनी सेल मतलब सेल को डिवाइड करके बहुत सारे अलग अलग सेल्स में डिवाइड करते हैं उसे क्या कहा जाता है बच्चों। तो अलग अलग सेल्स में डिवाइड करने के लिए हमें कौन सा ऑप्शन क्लिक करना होगा, तो आंसर में क्या आएगा, आंसर इज स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल्स यानी डिवाइड करना, स्प्लिट सेल से बहुत सारे अलग अलग सेल्स में वो डिवाइड हो जाता है, तो आंसर में आएगा स्प्लिट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 9, टू मर्ज द सेल्स इन अ टेबल टू गो टू ब्लैंक टैब टू क्लिक ऑन द मर्ज सेल्स बटन। मतलब सेल्स को मर्ज करने का, मर्ज यानी कि कंबाइन करना, टू सेल्स को कंबाइन करना, कंबाइन करने के लिए, तो दोनों सेल्स को कंबाइन करना यानी कि मर्ज करना। तो मर्ज करने के लिए हमें कौन से टैब में फर्स्ट ऑफ ऑल जाना होगा, कौन से टैब में मर्ज सेल्स वाला ऑप्शन आता है, तो आंसर में क्या आएगा बच्चों, आंसर इज लेआउट टैब। लेआउट टैब में जाके हमें मर्ज सेल्स वाला ऑप्शन क्लिक करना पड़ता है, तो कौन सा टैब आएगा बच्चों, लेआउट टैब। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच यानी कि ब्लैंक की यूज टू अपडेट द टोटल इन अ सेल। तो टोटल सेल का अपडेट हमें कौन सी की प्रेस करने पे मिलेगा, कौन सी की आप क्लिक करोगे तो सेल्स अपडेट होके मतलब टोटल सेल्स अपडेट दिखाएंगे हमें, तो उसमें आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर में आएगा F9 की, F9 की। देन आगे है क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। तो ये क्वेश्चन के आंसर हमें लिखने हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द हेडर एंड फुटर, मेंशन इट्स यूज इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो हेडर और फुटर क्या है वो हमें समझाना है और वर्ड में उसका यूज कैसे होता है वो भी हमें लिखना है। तो हेडर फुटर तो आपको मालूम ही होगा, हेडर यानी टॉप मार्जिन, फुटर यानी बॉटम मार्जिन। और हेडर फुटर का यूज वर्ड में किसके लिए होता है, तो हेडर यानी कि टाइटल ऐड करने के लिए और फुटर मार्जिन यानी कि पेज नंबर और डेट ऐड करने के लिए होता है। तो चलो मेरे साथ आपको आंसर लिखते जाना है। द हेडर इज अ सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपर्स इन द टॉप मार्जिन व्हाइल द फुटर। तो हेडर क्या है, टॉप मार्जिन, एंड द फुटर इज अ सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपर्स इन द बॉटम मार्जिन। तो फुटर से क्या होता है, फुटर ऐड करोगे तो बॉटम मार्जिन आ जाएगा यानी कि नीचे की साइड में मार्जिन हो जाएगा। हेडर एंड फुटर आर यूज इन मल्टीपल पेजेस डॉक्यूमेंट। हेडर फुटर का यूज मल्टीपल पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर यूज इसका होता है, फॉर इंक्लूडिंग द डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट एंड यू वांट टू अपर इन द एवरी पेज सच एज द टाइटल। यानी कि डिस्क्रिप्शन में हमें टाइटल ऐड करने के लिए, पेज नंबर ऐड करने के लिए, डेट और कंपनी का लोगो ऐड करने के लिए हेडर फुटर का यूज होता है। तो बच्चों आपको भी इसके साथ मेरे साथ आंसर लिखते जाना है। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों, राइट डाउन द स्टेप टू इंसर्ट डिफरेंट हेडर ऑन ऑड एंड इवन पेजेस। ऑड एंड इवन पेजेस में हेडर फुटर हमें ऐड करने के लिए कौन से स्टेप फॉलो करने हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। ये आगे के चैप्टर की थियरी में ऑलरेडी हो चुका है, तो चलो हम देखते हैं कि ऑड इवन पेजेस में हेडर फुटर ऐड करने के लिए हमें कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। तो देन स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द हेडर और फुटर एंड क्लिक द डिजाइन टैब।
तो हेडर फुटर के ऑप्शन में जाके हमें कौन सा टैब क्लिक करना है, डिजाइन टैब। हेडर फुटर के अंदर क्लिक ऑन द डिजाइन टैब, देन स्टेप नंबर टू, गो टू द ऑप्शन ग्रुप। स्टेप नंबर टू में कहाँ जाना है, ऑप्शन ग्रुप में जाना है। क्लिक द डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस चेक बॉक्स। तो ग्रुप्स ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन ग्रुप के अंदर हमारा जो ऑप्शन है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, वो हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे ऑड इवन पेजेस में हेडर फुटर एड हो जाएगी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर थ्री। राइट डाउन द स्टेप टू इंसर्ट अ सूटेबल नंबरिंग स्टाइल इन योर लिस्ट। तो हमें कोई भी टेक्स्ट के आगे नंबरिंग स्टाइल ऐड करनी है तो हमें कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे। नंबरिंग लिस्ट ऐड करने के लिए हमें ये सभी स्टेप फॉलो करने होंगे। तो देन स्टेप नंबर वन, प्लेस योर कर्सर वेर यू वॉन्ट टू स्टार्ट द लिस्ट। तो प्लेस योर कर्सर मतलब माउस का जो एरो कर्सर होता है वो हमें कहाँ ले जाना होगा, जहां से हमें नंबर लिस्ट स्टार्ट करनी है। और सिलेक्ट द पैराग्राफ यू वॉन्ट टू इंक्लूड इन द लिस्ट। जो भी पैराग्राफ के आगे हमें नंबर लिस्ट ऐड करना है वो पैराग्राफ पूरा हमें क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। देन स्टेप नंबर टू, ऑन द होम टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप। होम टैब ओपन करके हमें पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जाना है। स्टेप टू में क्या है, ऑन द है होम टैब। होम टैब क्लिक करके हमें पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जाना है। उसके अंदर क्या करना है, क्लिक द नंबरिंग ड्रॉप डाउन एरो। नंबरिंग ड्रॉप डाउन मेनू हमें ओपन कर देना है। वो नंबरिंग वाला लिस्ट आप ओपन करोगे तो पूरा नंबरिंग का जो लिस्ट होगा वो ओपन हो जाएगा। स्टेप नंबर थ्री में क्या होगा, द नंबरिंग लाइब्रेरी अपर, यानी कि नंबर लिस्ट ओपन हो जाएगी। देन स्टेप नंबर फोर, सिलेक्ट द डिस्क्राइब नंबर स्टाइल। उसमें से आपको जो भी नंबर स्टाइल सिलेक्ट करना है वो आपको सिलेक्ट करके क्या कर देना है, ओके यानी एड कर देना है। देन क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर, राइट डाउन द स्टेप टू चेंज द बुलेटेड स्टाइल इन द लिस्ट टाइप इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब हमें बुलेटेड स्टाइल यानी कि सिंबल की स्टाइल चेंज करनी है, अलग तरह के सिंबल ऐड करना है। तो हमें कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजिंग बुलेटेड स्टाइल मतलब सिंबल की स्टाइल चेंज करनी है। तो स्टेप नंबर वन, सिलेक्ट द बुलेटेड लिस्ट। पहले जहां से हमें सिंबल ऐड करना है वो पूरा लिस्ट हमें क्या कर देना है, सिलेक्ट कर देना है। देन स्टेप नंबर टू, ऑन द होम टैब। होम टैब क्लिक करना है, उसके अंदर हमें कहां जाना है, क्लिक द बुलेटेड ड्रॉप डाउन मेनू। बुलेटेड ड्रॉप डाउन मेनू क्लिक करना है एंड आइदर द चूज अनदर बुलेटेड स्टाइल फ्रॉम द बुलेटेड लाइब्रेरी। तो सबसे पहले हमें होम टैब में जाके क्या क्लिक करना है, बुलेटेड ड्रॉप डाउन मेनू ऐड करके हमें क्या करना है, चूज अनदर बुलेटेड स्टाइल फ्रॉम द बुलेटेड लाइब्रेरी। मतलब उसमें से चूज करना है, मतलब कोई भी सिंबल हमें जो भी पसंद है वो हमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके आगे हमें क्या करना है, क्लिक द डिफाइन न्यू बुलेटेड, चूज द न्यू बुलेटेड स्टाइल। और उसके अलावा वो सिंबल अगर आपको पसंद नहीं है, वो बुलेटेड लिस्ट आपको पसंद नहीं है, तो उसके आगे आपको क्या करना होगा, क्लिक डिफाइन न्यू बुलेट टू चूज अ न्यू बुलेटेड स्टाइल। डिफाइन न्यू बुलेट्स ऑप्शन क्लिक करोगे तो सभी अलग अलग तरह के सिंबल आ जाएंगे। उसके बाद स्टेप नंबर थ्री, क्लिक द सिंबल बटन। जो भी सिंबल आपको रखना है वो आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करके क्लिक करना है। देन स्टेप नंबर फोर, द सिंबल डायलॉग बॉक्स अपर। सिंबल डायलॉग बॉक्स ओपन करोगे, मतलब क्लिक करोगे तो सिंबल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके आगे क्या करोगे, सिलेक्ट द फॉन्ट। जो भी फॉन्ट चाहिए, मतलब जो भी सिंबल चाहिए वो सिलेक्ट कर लेना है।
उसके आगे क्या करना है, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड सिंबल, जो भी सिंबल चाहिए वो सिलेक्ट कर लेना है। और देन स्टेप नंबर 5, क्लिक ओके टू क्लोज द सिंबल एंड डिफाइन न्यू बुलेट। फिर सिंबल सिलेक्ट करके हमें क्या कर देना है, आफ्टर ओके, ओके करके हमें सिंबल और डिफाइन न्यू बुलेट्स वाला जो एप्लीकेशन ओपन है वो हमें क्या कर देना है, ओके कर देना है, यानी कि क्लोज कर देना है। देन क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू क्रिएट अ मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करने के लिए कैसे करेंगे हम, कौन से स्टेप हम फॉलो करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करने के लिए। देन स्टेप नंबर 1, प्लेस योर कर्सर वेर यू वॉन्ट टू स्टार्ट द लिस्ट, मतलब माउस का कर्सर हमें ले जाना है कहाँ पे, जहां से हमें मल्टी लेवल लिस्ट स्टार्ट करनी है। सिलेक्ट द पैराग्राफ यू वॉन्ट टू इन द यू वॉन्ट टू इंक्लूड द लिस्ट, वो पूरा पैराग्राफ हमें सिलेक्ट कर लेना है जिसके आगे हमें मल्टी लेवल सिंबल एड करना है। देन स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन द होम टैब। स्टेप नंबर 2 में कहाँ जाना है, होम टैब क्लिक करना है, उसके अंदर हमें पैराग्राफ ग्रुप सिलेक्ट करना है और उसके अंदर हमें मल्टी लेवल लिस्ट पे जाना है। क्लिक द मल्टी लेवल लिस्ट ड्रॉप डाउन मेनू, और उसके क्या, उसके आगे क्या है, स्टेप नंबर 3, द लिस्ट लाइब्रेरी अपर, मल्टी लेवल लिस्ट की जो लाइब्रेरी है मतलब अलग अलग तरह की लिस्ट ओपन हो जाएगी। एंड देन लास्ट स्टेप नंबर 4, सिलेक्ट द डिजायर मल्टी लेवल स्टाइल, उसमें से जो भी मल्टी लेवल स्टाइल आपको पसंद है वो आपको सिलेक्ट करके क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, तो मल्टी लेवल लिस्ट एड हो जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू इंसर्ट द टेबल इन योर डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल के अंदर हमें टेबल इंसर्ट करना है यानी कि टेबल ऐड करना है, तो कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे टू इंसर्ट द टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में जाना है, उसके अंदर क्या करना है, सिलेक्ट द टेबल ऑप्शन, इंसर्ट ग्रुप में जाके टेबल ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उसके आगे क्या करना है, क्लिक ऑन द इंसर्ट टेबल ऑप्शन, टेबल के अंदर जाके हमें इंसर्ट टेबल ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उसके आगे एंटर द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, जितनी रो और कॉलम आपको ऐड करनी है उसके नंबर आपको ऐड कर देना है। और लास्ट में क्या करोगे बच्चों, लास्ट में ओके, तो आपने जो भी रो और कॉलम्स ऐड की होगी वो वाला टेबल आपका ओपन हो जाएगा। और देन क्वेश्चन नंबर सेवन, हाउ कैन यू डिलीट रो एंड कॉलम इन द टेबल, तो टेबल के अंदर रो एंड कॉलम आपको अगर डिलीट करनी है मतलब निकाल देनी है तो वो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा बच्चों, टू डिलीट द रो एंड कॉलम इन द टेबल, तो रो एंड कॉलम डिलीट करने के लिए ये स्टेप हमें फॉलो करने हैं, सिलेक्ट द टेबल एंड क्लिक ऑन द लेआउट टैब, जो भी रो और कॉलम आपको डिलीट करनी है वो सिलेक्ट करके आपको कहाँ पे जाना होगा, लेआउट टैब ऑप्शन ओपन करके आपको कौन सा ऑप्शन क्लिक करना होगा, डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द रो एंड कॉलम ग्रुप, रो एंड कॉलम वाला डिलीट ऑप्शन हो, डिलीट ऑप्शन जो रो एंड कॉलम वाला है वो आपको क्लिक कर देना है एंड सिलेक्ट द डिलीट रोज एंड डिलीट कॉलम फ्रॉम द मेनू, क्लिक द डिलीट रोज एंड डिलीट कॉलम, जो भी सिलेक्ट की है आपने रो एंड कॉलम वो आपको डिलीट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्लिट सेल ऑप्शन, स्प्लिट सेल का ऑप्शन किसके लिए यूज होता है, यानी कि स्प्लिट सेल्स का मतलब क्या है, तो आंसर में क्या आएगा, टू डिवाइड अ सेल इनटू मेनी सेल्स यूज द स्प्लिट सेल, मतलब एक सेल्स को हमें बहुत सारे सेल्स में डिवाइड करना है, मतलब स्प्लिट यानी डिवाइड करना, एक सेल को हमें बहुत सारे सेल्स में डिवाइड करना है तो स्प्लिट सेल ऑप्शन का यूज होता है। और क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द यूज ऑफ मर्ज सेल्स ऑप्शन, तो मर्ज सेल्स ऑप्शन का यूज किसके लिए होता है, मर्ज करना यानी मिक्सअप करना, ऐड करना, तो मर्ज सेल्स ऑप्शन का यूज किसके लिए होता है,
तो उसमें आंसर में क्या आएगा बच्चों, इफ यू नीड टू कंबाइन द सर्वर सेल, अगर आपको सभी सेल्स कंबाइन करने हैं तो क्या करोगे, कंबाइन करने के लिए मर्ज सेल ऑप्शन यूज होता है। तो इफ यू नीड टू कंबाइन द सर्वर सेल्स इनटू वन, सभी सर्वर सेल्स को एक सेल्स में कंबाइन करना है तो यूज द मर्ज सेल्स ऑप्शन। दिस प्रोवाइड अ वे टू कंसोलिडेट डेटा इनटू वन सेल इनटू गिविंग इट अ बेटर लुक। तो ये सभी सर्वर सेल्स को एक यानी कि वन सेल्स में कंबाइन करके हम उसे बहुत ही अच्छा बेटर लुक दे सकते हैं। इसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है, मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स यानी कंबाइन करना, सभी अलग अलग सेल्स को एक सेल्स में कंबाइन करने के लिए। और देन क्वेश्चन नंबर 10, हाउ विल यू कैलकुलेट द सम इन अ टेबल। तो टेबल के अंदर हमें सम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, तो ये स्टेप हमें फॉलो करने होंगे। टेबल्स के अंदर हमें सम कैलकुलेट करना है तो हमें ये सभी स्टेप फॉलो करने होंगे। देन स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, सिलेक्ट द लेआउट टैब, लेआउट टैब ओपन करना है। क्लिक द सेल वेर यू रिजल्ट टू द डिस्प्ले, तो उस सेल के आगे आपको क्लिक करना है जिसका रिजल्ट आपको डिस्प्ले करना है यानी कि बताना है। देन स्टेप नंबर टू, क्लिक द फॉर्मूला बटन इन द डेटा ग्रुप, जिस सेल्स का आपको रिजल्ट डिस्प्ले करना है उसके आगे आपको एरो ले जाके कौन सा बटन क्लिक करना है, फॉर्मूला बटन। क्लिक द फॉर्मूला बटन इन द डेटा ग्रुप, डेटा ग्रुप में जाके फॉर्मूला बटन। देन स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री क्या है, द फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्ले। फॉर्मूला वाला बटन अगर आप ओपन करोगे तो फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन स्टेप नंबर फोर, नॉट दैट द सम फॉर्मूला इज ऑलरेडी डिस्प्ले, तो फॉर्मूला बार के अंदर आपको सम का फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्प्ले किया हुआ है यानी कि ऑलरेडी दिया हुआ है, वो आपको क्लिक कर देना है। देन क्वेश्चन स्टेप नंबर फाइव, क्लिक ओके, तो सम वाला फॉर्मूला ऑलरेडी आपको डिस्प्ले किया है, वो आपको क्या कर देना है, ओके कर देना है। देन स्टेप नंबर सिक्स, बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड्स कैलकुलेट द सम ऑफ वैल्यू इन द सेल इन द कॉलम अबोव और ऑन द रो टू द लेफ्ट, यानी कि वर्ड में अगर कोई ऐसा होता है कि सम वैल्यू अगर आप ऐड करोगे तो पहले कॉलम भी आ सकती है और रो भी बाद में रो, तो वो भी फॉर्मूला में हमें ऑलरेडी डिस्प्ले हुआ मिलेगा। तो टेबल्स के अंदर हमें सम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, लेआउट टैब में जाके फॉर्मूला बटन, डेटा ग्रुप में लेआउट टैब में डेटा ग्रुप में ग्रुप के अंदर फॉर्मूला बटन, फॉर्मूला बटन के अंदर हमें ऑलरेडी सम का फॉर्मूला डिस्प्ले किया हुआ होगा, वो आपको ओके करके ऐड कर देना है। तो हमारा सम वाला जो प्रोपोर्शन यानी कि कैलकुलेशन है वो ऐड हो जाएगा। तो बच्चों आज की हमारी चैप्टर नंबर सेकेंड की एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से ये मेरे वीडियो में देख के लिखना है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।